आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। बीते रविवार को गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में मुर्तजा नाम के व्यक्ति ने जो धार्मिक नारे लगाए और उसके बाद वहां पर जो हमला किया, उससे ये साफ साबित हो गया कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में काम कर रही है, जो धार्मिक स्थलों पर जाकर के नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगी आने वाले दिनों में भी और अभी भी कर रही है। क्योंकि जिस तरह से मुर्तजा को गिरफ्तार करने के बाद, हिरासत में लेने के बाद एसटीएफ और एटीएस की तरफ से जो पूछताछ हुई और उस पूछताछ के बाद कई कड़ियां जो खुलती गईं, जिसमें मुर्तजा के आईएसआईएस से जुड़े होने के संबंध निकल कर सामने आए, उसमें ये निकल कर सामने आया कि एक छात्र जो कि आईआईटी से पढ़कर आया है, जो केमिकल इंजीनियरिंग की नौकरी कर चुका है, कई संस्थानों में नौकरी करने के बाद वो नेपाल गया और नेपाल से उसने कई दूसरे देशों में पैसे ट्रांसफ़र किए, इंटरनेशनल सिम लिए, और ये सारा काम उसने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसे देश और उत्तर प्रदेश में कुछ धार्मिक स्थलों पर जा करके आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देना था, वो नुकसान पहुंचाना चाह रहा था। जब से मुर्तजा को पुलिस ने गिरफ्तार किया, एटीएस और एसटीएफ उसकी पूछताछ कर रही है, तब से लगातार कई सारी जो कड़ियाँ हैं वो खुलती जा रही हैं। ये पता चला है कि एक आईआईटीयन नेपाल भी गया हुआ था, उसने नेपाल से रहते हुए गोरखनाथ मंदिर की रेकी की थी। ये बताया गया कि नेपाल से उसने सीरिया करीब 8 लाख रुपया भेजा ऑनलाइन ट्रांसफ़र। ये बताया गया कि $29 में उसने एक इंटरनेशनल सिम खरीदा था और उसी इंटरनेशनल सिम के ज़रिए वो जो हिंसा वाले वीडियोज़ थे वो देखता था, वो इसी पर ही गोरोला युद्ध के जो वीडियोस थे वो देखता था और इनसे वो प्रभावित होता था। प्रभाव कैसा? प्रभाव वो मानसिक प्रभाव, वो ब्रेन वॉश, जो कहीं ना कहीं उसके मन में ये बात को बैठा रहे थे कि देश और उत्तर प्रदेश में मुस्लिम खतरे में है, यानी उसका धर्म खतरे में है, और इसी वजह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए मुर्तजा पिछले रविवार को गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पहुंचा हुआ था। कई और सारी कड़ियां जो हैं वो लगातार खुलती जा रही हैं। बताया जा रहा है कि उसने जांच के दौरान अपने बयान में ये भी बताया है कि वो आईएसआईएस से काफ़ी प्रभावित था, अबू हमजा को अपना रोल मॉडल मानता था और आईएसआईएस के लिए रासायनिक हथियार बनाना भी वो चाहता था। एक केमिकल इंजीनियर गोरखनाथ मंदिर के साथ साथ मथुरा, अयोध्या, काशी, कई जगहों पर अपने केमिकल के ज्ञान के साथ साथ, अपने दिमाग के फितूर के साथ साथ मिलकर उन जगहों पर नुकसान पहुंचाना चाहता था, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि उसका जो धर्म है वो खतरे में है। 2011 से 2015 तक उसने कई सारे ऐसे हिंसा वाले वीडियो देखे, कई सारे ऐसे वीडियो देखे जो लगातार उसके मजहब और उसके धर्म से जुड़े हुए थे, जिसमें जिहाद को सबसे अहम रूप में दिखाया गया और उसको ये लगा कि अब उसे ये लड़ाई लड़नी है। आज भी मुर्तजा का एक वीडियो सामने आया है, उस वीडियो में मुर्तजा ने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि वो किसी चीज़ से प्रभावित नहीं था, वो सनकी नहीं था, वो मानसिक रोगी नहीं था, वो प्रभावित था तो सिर्फ एक चीज़ से, और वो चीज़ ये थी कि उसका धर्म, उसके लोग खतरे में हैं और किसी को तो इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, और इसी को देखते हुए उसने ये कदम उठाया है। उसने ये भी कहा कि मैं नेपाल में था, उस दौरान भी मुझे नींद नहीं आती थी और मेरे दिमाग में यही ख्याल चलते थे कि कैसे क्या करूं कि ये जो CANRC का मामला है, ये जो हिजाब का मामला है, इन सारे मामलों का जो बदला है वो मैं ले लूं। और इसी के लिए उसने गोरखनाथ मंदिर की रेकी की, इसीलिए उसने कई और जगहों पर केमिकल धमाके कराने की तैयारी अपने दिमाग में सजाई, कई सारी रणनीतियां उसने बनाई कि किस तरह से नुकसान पहुंचाया जाए, और उसी कड़ी में पिछले रविवार को वो गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पहुंचा था जहां पर उसने ये हमला किया। उसने वीडियो में भी साफ तौर पर कहा है कि मैं ऑटो में बैठा, ऑटो वाले से भी मैंने इस बात को कहा कि मुझे मंदिर के पास उतार देना, मैं या तो आज रहूंगा या तो
एक बड़ा कोई काम करूंगा, इस तरह की बातें उसने उस वीडियो में कही है। तो जाहिर सी बात है उसके दिमाग में ये बात चल रही थी कि हो सकता है कि उसकी खुद की जान भी चली जाए, और हो सकता है ये कि वो एक बड़े कांड को आज यहां से कर दे, और वही करने के लिए वो गया भी हुआ था। उसके हाथ में हथियार था, धार्मिक नारे लगाते हुए उसने हमले किए। फिलहाल जिस तरह से उसे गिरफ्तार किया गया, उसकी गिरफ्तारी के बाद जांच पड़ताल की गई। एसटीएफ एटीएस लगातार जांच पड़ताल कर रही है, और एक के बाद एक कड़ियां जो हैं वो खुलती जा रही हैं कि वो क्या था, कैसे था, कहां कहां पर उसने क्या क्या किया। ये भी बताया गया कि वो एक बार दुबई गया, उसके पासपोर्ट को भी एक लंबे समय के बाद पुलिस ने जब्त किया है, ढूंढ निकाला है, क्योंकि वो बता रहा था, मुर्तजा का कहना था कि उसका पासपोर्ट उसे नहीं मिल रहा है, लेकिन एसटीएफ और एटीएस की टीम ने उसके पासपोर्ट को भी जब्त किया है। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ वो दुबई गया था, मुर्तजा का कहना है कि वो दुबई अपने पिता से मिलने गया हुआ था, लेकिन क्या सिर्फ वो अपने पिता से ही मिलने गया हुआ था, क्या किसी और से भी उसने मुलाकात की है, क्या सीरिया जहां वो पैसे भेजता था वहां वो कभी गया कि नहीं गया, आईएसआईएस जैसे संगठन जिनसे वो प्रभावित था क्या उनसे भी उनकी मुलाकातें कभी हुई हैं या नहीं हुई हैं। ये सारे जो सवाल हैं ये सब जांच के विषय हैं, और लगातार इस मुद्दे पर जो जांच है वो चल रही है। लेकिन इसके दौरान जो राजनीति है इस मुद्दे को लेकर के, जो जांच का दायरा है इस मुद्दे को लेकर के, और जो कड़ियां हैं इस मुद्दे को लेकर के, वो लगातार विस्तृत होती जा रही हैं, खुलती जा रही हैं, मुद्दे बड़े होते जा रहे हैं। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले मुर्तजा के पिता ने एक बयान दिया था, और उसमें साफ तौर पर उन्होंने ये कहा था कि उनका जो बेटा है वो दिमागी रूप से विक्षिप्त है, मतलब उसका दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। बताया ये भी गया कि उसकी शादी हुई थी, शादी के बाद उसने अपनी पत्नी और बच्चों को मारना शुरू कर दिया था, और इसी वजह से उसके ससुराल वालों ने उसकी पत्नी को अपने साथ ले जाना सही समझा, और फोन पर ही मुर्तजा ने अपनी पत्नी को तलाक भी दे दिया था। ये बात उसके पिता की तरफ से और उसके ससुराल वालों की तरफ से कही गई, और इसी बात पर अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा कि जब मुर्तजा के पिता उसके घर वाले इस बात को कह रहे हैं कि वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, तो पुलिस को एक बार सही तरीके से जांच करनी चाहिए। अब इस बयान पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा अखिलेश यादव को ये पता होना चाहिए कि जो घटना वो करने गया था वो काफी गंभीर घटना थी, उससे नुकसान बड़े पैमाने पर हो सकता था। और ये भी कहा है केशव प्रसाद मौर्य ने कि आतंकी प्रवृत्ति के लगभग सभी लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त ही होते हैं, और इसी वजह से वो आतंकी बनते हैं। स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है, उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा है कि अगर अखिलेश यादव के पास कोई सूची है ऐसे मानसिक विक्षिप्त आतंकवादियों की, तो वो सूची हमें प्रोवाइड कराएं ताकि हम इनके ऊपर भी कार्रवाई कर सकें। तो ये तो बात हो गई राजनीति की, लेकिन जिस सनकपन की, जिस मानसिक विक्षिप्त की बात हो रही है, ये कहा जा रहा है कि जिसका दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा था, उसको लेकर के कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको जानना समझ लेना बहुत ज़रूरी है। क्या कोई मानसिक रोगी, क्या कोई सनकी आदमी इंटरनेशनल सिम $29 में खरीद सकता है? खरीदेगा तो क्यों खरीदेगा? क्या कोई मानसिक व्यक्ति 4 से 5 साल तक हिंसा वाले वीडियो देख सकता है? क्या कोई मानसिक रोगी अपने पढ़ाई का, अपनी केमिकल इंजीनियरिंग का सारा गुणा गणित किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए लगा सकता है, इतना उसके पास दिमाग है? क्योंकि कहा तो जा रहा है कि मानसिक रोगी है। हालांकि ये दलील सिर्फ कोर्ट में काम कर सकती है, लेकिन ये भी जांच का विषय है कि क्या वो मानसिक रोगी था, उसके पहले कभी दवाई चल रही थी या नहीं चल रही थी, ये सब जांच में आएगा निकल कर, नार्को टेस्ट हो गया सारी चीजों में। लेकिन जिस तरह से आज मुर्तजा का बयान आया है, और मुर्तजा ने साफ तौर पर इस बात को कहा है कि वो प्रभावित था, वो गुस्से में था, CANRC को लेकर के, कर्नाटक में हिजाब वाले मामले को लेकर के, कई सारे मामलों को लेकर के उसके अंदर नाराजगी थी, उसके दिमाग में काफी कुछ भरा हुआ था, तो इससे तो साफ साबित होता है कि वो मानसिक रोगी नहीं था, क्योंकि उसने खुद इस बात को बोल दिया है कि वो गुस्से में था और गुस्से में ही उसने ये कदम उठाया है। तो अब सवाल ये है कि आखिर हमारे राजनेता जांच के ऊपर सवाल कैसे खड़ा कर सकते हैं, पुलिस की, चाहे एसटीएफ की, हमारी जांच एजेंसियों की, और इतना बड़ा मामला हो जाने के बाद जो सुरक्षा व्यवस्थाएं दुरुस्त करी गई हैं, मुख्यमंत्री आवास की हो गई हो या फिर धार्मिक स्थलों की हो गई हो, इसके बाद इस तरह की घटनाएं
होंगी या नहीं होंगी, नहीं होने के लिए क्या कार्रवाइयां की जा रही हैं, कितना सिस्टम चुस्त दुरुस्त है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा ये भी करेंगे कि लगातार जनता से जुड़े हुए मुद्दों में महंगाई की समस्या अब उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में काफ़ी बड़ी होती जा रही है, और कांग्रेस ने आज उसको देखते हुए एक प्रदर्शन भी देशव्यापी किया था। राजधानी लखनऊ में भी एक बड़ा प्रदर्शन हुआ है महंगाई को लेकर के। तो ये महंगाई के मुद्दे पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। पहले सुरक्षा व्यवस्था, उसके बाद महंगाई, बयान सुनिए और फिर डिबेट को शुरू करता हूँ। लगातार कुछ बातों को कह रहे हैं, और उन्होंने ये बात आज इस कार्यक्रम में भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की सीरियल किलर है। लोकतंत्र में वोट कैसे लूटा जाता है उसकी एक्सपर्ट पार्टी बन गई। एक तरफ हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने अपनी जान भी खेल करके उसको पकड़ते हैं, जब उसके तार तमाम आतंकी संगठनों से पता चलते हैं, कई लोगों से पूछताछ जारी है। इस बीच में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता विपक्ष के रूप में जिन्होंने सदन में आकर के शपथ ली है, यह बयान बहुत ही घटिया है, बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं, और इस प्रकार के बयानों से श्री अखिलेश यादव जी बाहर जाएँ, ऐसा मैं उनसे कहना भी चाहता। कांग्रेस को महंगाई को लेकर देशव्यापी जो प्रदर्शन चल रहा था, लखनऊ में जो प्रदर्शन चल रहा था, उसमें अब जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है साथ ही साथ उनको गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। साथ ही साथ हमारे साथ मोना है, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है वो सभी जुड़ गए हैं, और मैं इस डिबेट को शुरू करूंगा, लेकिन पहले उनसे आपको रूबरू करा देता हूं। अश्विनी शाही जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, मयंक यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, सत्यजीत सिंह जी हमारे साथ प्रसपा से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा अमित गुरु हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, और अंकुर सक्सेना हमारे साथ आरएलडी से जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का आज के डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शाही साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा। बहुत ही गंभीर विषय और बहुत ही गंभीर मुद्दा है आज का, क्योंकि आपके जो सबसे प्रमुख विपक्षी दल हैं और उनके राष्ट्रीय नेता अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं पुलिस को लेकर के, एटीएस और जांच एजेंसियों को लेकर के, कि ये मुर्तजा वाले मामले में जांच सही तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि मुर्तजा के पिता का कहना है कि मुर्तजा का दिमागी संतुलन ठीक पहले से नहीं था। तो ये अचानक से बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जाँचे परखे, हम अपनी जाँच एजेंसियों पर, हम पुलिस वालों पर आरोप कैसे लगा सकते हैं, ये सवाल है। तरीके से और बहुत विस्तृत तरीके से इसकी व्याख्या की है अपने ओपनिंग रिमार्क में जी। अब उसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहता हूं कि यही अखिलेश यादव जी राजनीति में नेगेटिविटी की पराकाष्ठा में इस तरीके से डूब गए हैं कि ये लोग मोदी विरोध करते करते देश विरोध करने लगे हैं। ये वही अखिलेश यादव हैं जो बनारस के बम ब्लास्ट के दोषियों को छोड़ने की फाइल चलवाते हैं, जिस पर हाईकोर्ट से इनको डांट पड़ती है। हाईकोर्ट कहता है कि क्या छोड़ने के बाद आप इनको पद्म विभूषण देंगे, ये हमने नहीं कहा, ये हाईकोर्ट के सम्मानित जज का आदेश है।
तो उस समय वहां से डांट पड़ी तो मुकदमा वापस नहीं हुआ। ये उनकी उनका कृत्य वहां से शुरू हो रहा है। और उसके बाद आज ये देखिए, ये मोह और मद यानी कि मोहम्मद की राजनीति करते हुए, ये इस तरीके से तुष्टीकरण करते हुए यहाँ आज आकर एक आतंकवादी की बात कर रहा है, जैसे कि उनको उस आतंकी का पिता ये कह रहा है कि वो मानसिक रोगी है। हो सकता है अगर जांच में उसका मानसिक रोगी नहीं आ पाया गया तो उसका पिता भी जाएगा एक आतंकी को पनाह देने के लिए। और मैं तो कहूंगा कि अखिलेश यादव के खिलाफ भी मुकदमा लिखाना चाहिए कि ये भी उसको संरक्षण दे रहे हैं। अच्छा, कारण उसका एक आतंकी है तो या तो आप स्पष्ट रूप से कहिए कि हम आतंकी के पक्षधर है, आतंकी जितने मुसलमान आतंकी है, जितने विश्व के जिस भी बिरादरी के आतंकी है हम उसके साथ हैं, तो हमको भी आतंकी पार्टी का नेता मान लिया जाए। ये अगर मान लिया जाए तो ठीक है, नहीं तो इस तरीके की बात करना, देश का नुकसान हो रहा है, देश हित की बात में सबको एक होना चाहिए। आज देखिए, आज कहां हमला हुआ है, एक पीठ पर हमला हुआ है, गोरक्षनाथ पीठ इस धरती के बड़े पीठों में एक पीठ है। अगर कहीं एक किसी मस्जिद पर ये आतंकी हमला हुआ होता और कहीं गलती से उसका नाम राम भरोसे होता तो अखिलेश यादव तो इस धरती पर लोगों को जिंदा नहीं रहने देते, लाल टोपी लगाकर ये लोग पूरे सड़क पर उतर कर बवाल काट देते, थाने फूंक दिए जाते, नेताओं के घर फूंक दिए जाते, क्योंकि खुद ये लोग आतंकवादी और गुंडों की पार्टी है, इसलिए ये प्रश्रय दे रहे हैं। आज नितिन जी प्रश्न ये है कि इस कहने की आजादी सिर्फ हिंदुस्तान में है कि हिंदुस्तान में देश के खिलाफ अगर कोई घटना होती है तो उसका समर्थन करने लोग पहुंच जाते हैं। कांग्रेस के एक नेता अफजल अफसरविंदा है तेरे कातिल जिंदा है नारा लगाने पहुंच गए थे, राहुल गांधी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, वो वहां पहुंच गए थे। बाटला हाउस कांड में सोनिया जी आंसू बहा रही थी, ये उनके नेता ने कहा था। तो ये इस देश में विरोधी दलों का एक परंपरा चल गई है कि जिसमें आतंकियों के को चाहे वो अगर मुस्लिम बिरादरी का ही है, देखिए ईसाई होगा तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जहां सीरिया हो या अफगानिस्तान हो, यमन हो, हिंदुस्तान हो, कहीं भी पढ़ लिख कर जो है 9/11 होता है वहां तो सारे वही पढ़े लिखे पायलट भी जाते हैं, सारे वही खान और पठान और मियाँ जी होते हैं सारे। तो उन लोगों के पैरवी में चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो ये सामने आकर खड़ी होती है, क्योंकि इनको उनका हित साधना है, मुस्लिम तुष्टीकरण करनी है, और साथ में वो देश का विरोध भी करते हैं क्योंकि उनको मोदी विरोध करना है। ठीक है शाही साहब, एक सवाल और है, कांग्रेसियों का बड़ा जिक्र किया है आपने, आज कांग्रेसियों ने महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया है, वो कह रहे हैं कि सरकार बन गई है उत्तर प्रदेश में बीजेपी की, लेकिन अभी तक महंगाई को लेकर के कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया है और लगातार महंगाई बढ़ रही है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए नितिन जी, अच्छी चीज है अगर उनको लगता है, वो विपक्ष के लोग हैं, उनको लगता है कि उनकी जो मृत प्राय पार्टी है वो इस तरीके के प्रदर्शन। कौन सी पार्टी है? मृत प्राय। अच्छा भाई, 6% से 2% पहुंच गए हैं उत्तर प्रदेश में, अब क्या रह गया उनका? वो दो लोग जीते हैं, अपने भरोसे जीते हैं, कांग्रेस के भरोसे थोड़े जीते हैं। प्रियंका जी टूरिज्म पर आई और चली गई वापस, फिर दिखाई दी है कहीं। ठीक है, तो वो लोग अगर इस चीज को समझते हैं कि चुनाव के पहले हम जनता को इस चीज को नहीं समझा पाए तो एक विरोधी दल का वो लोग अपना जो है काम कर रहे हैं, और उनको करना चाहिए। अच्छी चीज है कि विरोधी दल एक प्रदर्शन करे, धरना करे, हो सकता है कि इनके धरना प्रदर्शन से सरकार को चीजें समझ में आ जाए। लेकिन इसके पीछे मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि मोटिव साफ होना चाहिए कि हाँ हम जनता के हित की बात कर रहे हैं, अपने लिए हम कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं, और उसमें मोदी विरोध और तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए। साफ और स्पष्ट और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा राजनीतिक हो उसका स्वागत है, उसका हमेशा हमेशा सम्मान रहेगा। ठीक है सर, ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। मयंक यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए। मयंक, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल कहा था कि इस पूरे मामले की सही तरीके से जांच हो, क्योंकि उसके पिता जो मुर्तजा है, उसके पिता ये कह रहे हैं कि मुर्तजा का जो दिमागी संतुलन है वो ठीक नहीं है, वो कहीं ना कहीं सनकी है। लेकिन एक सनकी आदमी $29 में सिम खरीदेगा इंटरनेशनल, वो नेपाल जाकर के 8 लाख रुपया सीरिया भेजेगा, तो ये मामला कहीं सही नहीं है। और इस तरह से अपनी जांच एजेंसियों पर, अपनी पुलिस पर सवाल खड़े कर देना सही नहीं लगता है,
और शाही साहब भी इस बात को कह रहे हैं कि आप लोग पहले भी ऐसे जैसे इसी तरह के मुद्दों पर कोर्ट से फटकार खा चुके हैं। ये भी उन्होंने कहा कि इस पूरे मुद्दे पर अगर अखिलेश यादव मुर्तजा को बचाते हुए नजर आ रहे तो अखिलेश यादव पर भी मुकदमा होना चाहिए। क्या कहना है आपका और पार्टी का? देखिए, मैं सर्वप्रथम जिस अखिलेश यादव जी के बयान को लेकर इतना प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी फैला रही है उसके बारे में दोबारा बता देना चाहता हूँ। अखिलेश यादव जी ने कहा था इस मामले में अभी तक जो जानकारी मिली है, ध्यान से सुनिएगा साहिब जी, अखिलेश यादव जी ने कहा था इस मामले में अभी तक जो जानकारी मिली है उसके पिता ने कहा है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। और उन्होंने कहा क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है, हमें यह भी देखना पड़ेगा, ये चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बताती है। अच्छा। इसके सिवा उन्होंने कहीं नहीं कहा था कि पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो गलत है। और मैं उन जवानों को सलाम करता हूं जिन्होंने इतनी बड़ी घटना होने से बचाया। और समाजवादी पार्टी ऐसे गुंडे और अपराधियों का कभी समर्थन नहीं करती है, ये सिर्फ गुंडे अपराधियों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी ही करती है। जेल के अंदर बैठकर अपराधियों के साथ कौन चाय पीता है, कौन घंटों घंटों नाश्ता करता है, कौन घंटों घंटों नाश्ता करता है, ये सभी को जानकारी है। और जो अभी साहिद जी बता रहे थे अखिलेश यादव जी पर मुकदमा करवाना चाहिए, अखिलेश यादव जी पर मुकदमा करवाने के लिए कोई पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यमन और अरब कंट्री से कोई नहीं आएगा। आप लोग को अगर लगता है कि अखिलेश यादव जी ने गलत किया तो आप लोग मुकदमा करवाइए, बेहिचक मुकदमा करवाइए, क्योंकि जो चीजें नहीं है उनपे आप मुकदमा करवाने के लिए खड़े ही नहीं हो सकते, वो आप कर ही नहीं सकते। खैर, इन लोगों की ये अखिलेश यादव जी ने साफ शब्दों में कहा था भारतीय जनता पार्टी किसी भी मुद्दे को भुनाने में बहुत तेज है, इस पहलू को भी देखना पड़ेगा। आज उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या महंगाई की है। बात महंगाई की आती है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मुंह सिल जाता है, उनके मुंह में दही जम जाता है, उनके मुंह से कोई भी बात नहीं निकलती है। अगर पूछ लिया जाए पिछले 16 दिनों में पेट्रोल के दाम 10 रुपए बढ़ चुके हैं, नींबू एक नींबू संतरे की सरकार में नींबू का रेट जो बढ़ रहा है ये भी भारतीय जनता पार्टी को खल रहा होगा, लेकिन इन लोगों का अभी तक इस पे कोई नहीं बयान आया है। टोल टैक्स बढ़ रहा है, सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, ये दाम जो बढ़ रहे हैं इनका असर घरेलू और रोजमर्रा की जरूरतों पर पड़ेगा। कांग्रेस वालों ने आज प्रदर्शन किया तो आप लोग क्यों नहीं गए साथ में, जाना चाहिए था। देखिए, समाजवादी पार्टी अभी सदस्य विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अभी सदस्य विधान परिषद के चुनावों में व्यस्त हैं, और जैसे ही सदस्य विधान परिषद के चुनाव खत्म होंगे हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और ऐसा प्रदर्शन करेंगे, सरकार को मजबूर कर देंगे कि जो ये हिंदुस्तान को लंका बनाने की तैयारी मोदी जी ने कर रखी है वो हम लोग चलने नहीं देंगे। और ये कांग्रेस के लोग जो कहते थे कि हिस्सेदारी लेनी है, भैया आइए चुनाव लड़िए, आमने सामने की बात करिए। और भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे गुंडाई करते हैं हमारे एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर कफील खान के ऊपर, मतलब 6 घंटे में 6 बार उनके साथ जांच के नाम पर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, वोटर्स को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये एक कफील खान ही जहां के एमएलसी प्रत्याशी, वहां नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं वो चुनाव जीतने की बिल्कुल कगार पे खड़े हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पागलों की तरह उन पर कार्रवाई कर रही है। समाजवादी पार्टी के एक विधायक के ऊपर, मतलब ये लोग इतना ज्यादा पागल है, बदले की भावना से ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है सरकार तो आती जाती रहती है, लेकिन जो बदले की भावना से ये रॉलेट एक्ट जो लागू किया है भारतीय जनता पार्टी ने ब्रिटिश कानून का, ये रॉलेट एक्ट आज के ऊपर भी लागू हो सकता है। सरकारें आती जाती रहती, आपका भी नंबर आएगा, जो दिक्कत हो। शाही साहब कुछ कह रहे थे, उनका सवाल ले लेते फिर आपके। हाँ शाही, सुन लीजिए। नितिन जी, मुझे दो बातें कहनी है अपने मयंक भाई से। पहली बात तो इन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा कि समाजवादी सरकार का ऐसे गुंडे माफियाओं से कोई वास्ता नहीं, कोई प्रसर नहीं है। मैं खाली ये बताना चाहता हूँ, जो हाईकोर्ट का मैंने जिक्र किया है वो किसी आतंकवादी के लिए उन्होंने किया था या नहीं किया था उसको भूले मत। वो दूसरी बात, अभी उन्होंने रॉलेट एक्ट और बदले की बात की। बदले की बात में अखिलेश यादव जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था या मीडिया को दिया हुआ बयान सबको याद है चुनाव में, कि मैंने सबकी लिस्ट बनाई हुई है, जो लोग जैसे दे रहे हैं उनको हम उसके ब्याज समेत वापस करेंगे। ये क्या बदले की कार्यवाही? चुनाव से पहले जो उनको मुगालता हो गया था चुनाव जीतने का, उसमें वो धमकी दे रहे थे या नहीं दे रहे थे? तीसरा, जो कह रहे थे ए पुलिस, याद है सबको। तो ये सब चीजें जो है एक तरह से जैसा मुखिया होगा वैसे उसके अनुयायी होंगे। तो ये लोग वही हैं,
और वो पूरी समाजवादी पार्टी उसी रंग में है। और आज अखिलेश जी ने जो बयान दिया है कोई उनके मुंह से कोई आश्चर्यजनक चीज नहीं निकला है, वो बोल रहे हैं। हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो हमारे ट्वीट करके बहुत बढ़िया कहा है कि ऐसे जितने मानसिक विक्षिप्त हो आपकी पार्टी में और आपकी जानकारी में योगी जी के पास लिस्ट भेजिए, वो उनको जो है सही समय पर दवाई कर दे उनकी, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये चीजों को नहीं भूलना चाहिए बैंक भाई कि आप लोग उसको प्रश्रय देते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ आप लोगों के पास। अमित गुरु हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अमित भाई, शाही साहब अभी एक कोई शब्द का प्रयोग कर रहे थे आप लोगों की पार्टी के लिए, कोई मृत प्राय बोल रहे थे, क्यों बोल रहे थे मुझे नहीं पता, शायद आपको पता हो। देखिए अश्विनी शाही जी, चूंकि आज मैं बड़ा काबिल समझता था, समझता भी हूँ, लेकिन ये है कि काबिलियत उनकी ऐसे मौकों पर जब आप अपनी बुद्धिमानी का परिचय नहीं देते हैं, ये उस मृत प्राय पार्टी की बात करते हैं जिनके नेताओं से ये संसद में खौफ खाते हैं। अच्छा, ये बोलते हैं सदन नहीं चलने देते, उस पार्टी की बात करते हैं जिसके एक आंदोलन से आज सुबह लखनऊ में आपने देखा होगा, आज लखनऊ के अंदर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए थे। उस मृत प्राय पार्टी की बात करते हैं जिसका नेता राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, जब सड़कों पे निकलते हैं तो इनकी पूरी फौज और पूरा अमला सड़क पे आ जाता है। नहीं तो ये लोग कहते हैं कि आप लोग अराजकता फैलाते, इसलिए हम पुलिस लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये अराजक लोग हैं, अराजकता का माहौल बनाने वाले लोग हैं। आज अभी मैं आपको बता दूं, मृत प्राय पार्टी बता रहे हैं ये खुद ये लोग भूत प्राय पार्टी हैं। अभी कितने दिनों हुआ जो इतनी संजीवनी इनको मिल गई है, इस तरह मुगालते में रह के इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो बिल्कुल ही अलोकतांत्रिक है। साई जी, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, आप मुगालते में मत रहिए, आपको बहुत जल्दी भूत प्राय पार्टी जो आपकी भारतीय जनता पार्टी है उसका भूत का जो नशा है वो जनता बहुत जल्दी उतारेगी। आप चुनाव जीत के बेशक आए हैं, लेकिन इस मुगालते में मत रहिए कि आपकी सत्ता जाने वाली नहीं है। अभी हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे थे, गोरखपुर में जो मंदिर की घटना हुई और जिस तरह से आतंकी कनेक्शन और तमाम तरह की चीज़ें लाई जा रही हैं, मेरा उस पर साफ कहना है कि आप जांच करिए, जो सही है, जो चीज़ें सही है वो निकल के सामने आनी चाहिए। अब वो अगर आतंकवादी है तो उसको आतंकवादी जैसा सलूक करना चाहिए। मैं अखिलेश यादव के किसी बयान में या केशव प्रसाद मौर्य के बयान से कोई इत्तफाक नहीं रखता। अगर केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि जो आतंकी हैं वो विक्षिप्त मानसिकता के होते हैं, तो वो लोग कौन हैं जो इस कदर विक्षिप्त मानसिकता के हो गए हैं, जो ईडी और सीबीआई का डर दिखा के भारतीय संसद के जो विपक्ष के नेता हैं उनके ऊपर कार्रवाई कराते हैं। आज महाराष्ट्र में नवाब मलिक को देख लीजिए, आप इस समय संजय राउत की पत्नी के ऊपर जो कार्रवाई हुई है वो देख लीजिए। अभी कफील खान की बात आई, कफील खान ये वही कफील खान है जिस समय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री रहते हुए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज का दौरा कर रहे थे और उस दौरे के दौरान ही 40 की संख्या में बच्चे मर चुके थे और मुख्यमंत्री जी को पता नहीं लगा। मृत प्राय और मृत विचारों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और आने वाले दिनों में इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा। दूसरी चीज, एक बात आपने कन्हैया कुमार के बारे में कही जो आज हमारे दल के नेता हैं, आपने कहा कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। आप लोग इस देश को बरगलाने का जो राग अलापते रहते हैं वो बंद करिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरी जांच कराई, आज तक यह बयान कन्हैया कुमार के मुंह से निकला अभी तक प्रूफ नहीं हो पाया है। जनता को बेवकूफ बनाना शाही जी बंद करिए, ऐसे ओछे शब्द और ऐसे मनमाने मनगढ़ंत शब्द कम से कम टीवी डिबेट के परिचर्चा में मत लाइए। तीसरी बात, मैं आपको एक चीज बता दूं, महंगाई पे आपने बात करी, आज हमने प्रदर्शन किया गोरखपुर लखनऊ के अंदर और जिस तरह से यह प्रदर्शन हमारा रहा, हम आज 2 सीट पे हैं, हमारे वोट आप परसेंटेज भी कम हुए लेकिन हमारा हौसला कम नहीं हुआ है। हम जनता के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज 9 रुपये 20 पैसे आपने इतने ही दिनों में चुनाव जीतने के बाद 9 रुपये 20 पैसे कम से कम पेट्रोल का दाम आपने बढ़ा दिया, रोज 80 पैसा का आप बढ़ाते हैं। आखिर आपका एजेंडा है क्या महंगाई के लिए? आप देखिए, पेट्रोल है, डीजल है, CNG है, टोल टैक्स है, यहाँ तक कि नींबू के भी ऊपर ये लोग काबू नहीं पा रहे हैं। हमारा पड़ोसी मुल्क इस समय श्रीलंका, जिसके शब्द से श्री खत्म हो गया है, सोने की लंका और सोने की चिड़िया हिंदुस्तान,
आप देखिए कहाँ आप देश को ले जा रहे हैं। आने वाले दिनों में इस देश को पता लगेगा कि किस तरह की नीति से आप इस देश की व्यवस्था को चला रहे हैं। महंगाई पे काबू पाना होगा और महंगाई के खिलाफ हम हमेशा लड़ते रहेंगे। हम अपनी आवाज़ और जनता की, देश की जनता की आवाज़ को कभी भी कुंद नहीं होने देंगे। आप हमें चाहे लाख बार मृत प्राय पार्टी कहते रहिए, हम आपको भूत प्राय पार्टी बना के छोड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमारे साथ सत्यजीत सिंह भी जुड़े हुए हैं प्रसपा से। सत्यजीत जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि बीजेपी के कुछ सीनियर नेताओं ने इस बात का जिक्र किया है कि समाजवादी पार्टी के पास अगर कोई लिस्ट हो मानसिक विक्षिप्त आतंकियों की तो वो उसे दे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ आप गठबंधन में हैं उत्तर प्रदेश में, और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के जो हैं नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव की तरफ से कल एक बयान आया था जो आपको पता होगा। आप इस चीज को किस नजर से देखते हैं? आपका क्या पक्ष है गठबंधन में होने के नाते? देखिए, श्री आदरणीय अखिलेश यादव की जहां तक बात रही वो सही ही बोल रहे हैं, सही इसलिए बोल रहे हैं कि अहमद मुर्तजा अब्बासी, अहमद मुर्तजा अब्बासी जी, एक मिनट हम कनेक्ट हो जाए आपसे। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ अहमद मुर्तजा अब्बासी, एक मिनट बस। हाँ, अहमद मुर्तजा अब्बासी वो ऑलरेडी आईआईटी बॉम्बे से केमिकल की इंजीनियरिंग डिग्री लेकर के आया है, और जब आईआईटी जैसे संस्थान से केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर के कोई आए उसको विक्षिप्त कहा जाए तो थोड़ा हास्यास्पद है। तो यही तो अखिलेश जी कह रहे हैं ना, आपके नेता ही कह रहे हैं। ठीक है, हमारे नेता, देखिए ठीक है, हमारे नेता तो आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी हैं। अच्छा, अखिलेश जी नहीं है? आदरणीय शिवपाल सिंह यादव को फॉलो करते हैं, उनके अनुसार चलते हैं, उनके विचारों पे चलते हैं। हम समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, लेकिन हम तथाकथित समाजवादी विचारधारा के लोग नहीं हैं। तथाकथित कौन? तथाकथित का अर्थ हुआ जो ममता एवं क्षमता मूलक समाज की रचना करना चाहता हो, और जो ममता एवं क्षमता मूलक समाज की रचना नहीं करना चाहता। तो ये नहीं करने वालों में अखिलेश यादव आते हैं क्या? मैं ये नहीं कहता कि अखिलेश यादव क्या है, उनका पैरामीटर मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अहमद मुर्तजा अब्बासी केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री अगर लिए है तो जरूर विक्षिप्त नहीं हो सकता है। दूसरी चीज, आप सोच सकते हैं कि आतंकी जो है वो कई फतवे उसके मोबाइल से मिलते हैं, हथियार चलाने का उसको और लोन वुल्फ अटैक की ट्रेनिंग के लिए वो इंटरनेट पे सर्च करता है। अब आप बताइए कोई पागल आदमी लोन बुल पते के तरीकों को इंटरनेट पे ढूंढे, सर्च करे, तो इसका क्या मतलब होता है, आप बताइए। और लोन बुल पते में जो आतंकी अकेले किसी विशेष जगह पे जाकर के छोटे हथियार से जान लेकर के दहशत फैलाता है उसको हम लोन बुल्फ अटैक कहते हैं जो है। तो क्या लोन बुल्फ अटैक करने वाला अपराधी विक्षिप्त हो सकता है? हाँ, ये विक्षिप्त है, आतंकवादी विक्षिप्त होता है, कोई भी आतंकवादी होगा चाहे जिस कोने में हो। सवाल भारत पे नहीं है, कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप का मसला नहीं है। मैं कहता हूँ पूरे विश्व के अंदर किसी भी जगह पर अगर कोई आतंकवादी घटना घटित करने का प्रयास करता है या करता है तो जाहिर सी बात है तो विक्षिप्त है। अखिलेश यादव जी ने अगर कहा है विक्षिप्त है तो सही कहा है, इसलिए वो विक्षिप्त है तभी तो अटैक करने का प्लान बना रहा है। एक चीज और बताइए, अगर वो विक्षिप्त था, मानसिक विक्षिप्त था, तो अभी भारतीय जनता पार्टी के भाई साहब ने बताया थोड़ी देर पहले, देखिए एफआईआर करने की बात नहीं है, बात यह है कि जब एटीएस को उसको दिया गया तो उस समय पहले मेडिकल परीक्षण किया गया और मानसिक विक्षिप्तता अवस्था की जांच की गई, और ये सारी जांचें होने के बाद एटीएस की सुपुर्दगी में दिया गया। आप लोगों को मैं अपडेट कर दूं कि चैनल पे आपके मैं बैठा था, जितने लोग थे, चाहे समाजवादी पार्टी के लिए लोग रहे हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के, सवाल इस बात का अब नहीं रह गया है कि वो विक्षिप्त है कि नहीं है। अच्छा एक चीज बताइए, मेडिकल रिपोर्ट सही बोलेगी कि उसका पिता सही बोलेगा? जाहिर सी बात है कि मेडिकल रिपोर्ट सही बोलेगी, पिता पुत्र के कहने से क्या मतलब होता है। तो मेडिकल जांच में वो विक्षिप्त नहीं था, और विक्षिप्तता अवस्था में ना होने की वजह से उसको एटीएस को सौंप दिया गया, पहले उसकी मेडिकल जांच हुई थी। अब आप एक चीज ये बताइए कि अगर जरा सोचिए, आतंकवादी घटना के लिए बहुत बड़ा मठ है वो बड़ी पीठ है, नाथ संप्रदाय का सर्वोच्च पीठ है वो, और उसके पीठाधीश्वर इस समय उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 24 करोड़ की आबादी की, जो कि आबादी के मामले में भारत का ये भूभाग विश्व के चौथे सबसे बड़े भाग में आता है, चौथे नंबर पे आता है ये जो है। और उसके बाद आप इतनी बड़ी घटना, वो भी कब, जब नवमी चल रही हो, नवमी का मतलब ये हमारी पूजा के समय चल रहे हो, क्या होता अगर वो अंदर पहुंच जाता, श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ थी, अगर अंदर पहुंच जाता, मैं तो उन बहादुर
जवानों को एक बार धन्यवाद दूंगा, घायल सुरक्षा कर्मियों के प्रति मेरी सहानुभूति है और उनको मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ, चाहे गोपाल गौड़ रहे हों, चाहे अनिल पासवान रहे हों, चाहे अनुराग राजपूत रहे हों, तीनों लोग जो घायल हुए हैं, एक पीएससी के जवान थे और दो पुलिस के जवान थे, दोनों तीनों लोगों की मैं भूर भूर प्रशंसा करूंगा, उन्होंने बड़ी वारदात होने से बचा लिया। ठीक है सर, आप सोचिए, एक मिनट का समय आप दीजिए, एक मिनट का समय दीजिए, बात तो पूरी करने दीजिए, बहुत बाद में आपने मौका दिया, पूरा कर लीजिए सर, लास्ट में दिया है आपके साथ ही, आपके आपने आपके लास्ट में भी अंकुर जी बैठे हुए हैं, अभी अभी उनसे भी बात करें। लेकिन एक बात आप एक चीज बता दें कि अगर वो राइफल छीनने में कामयाब हो जाता, अथवा फिर मैं कहता हूँ राइफल छीनने में कामयाब ना होता, लेकिन अगर राइफल भूल चूक से गोपाल गोयल मतलब नौजवानों जवानों के बंदूक से या राइफल से गोली चल जाती तो कितने बेगुनाह मारे जाती, श्रद्धालुओं के साथ क्या होता, इसको भी तो सोचना चाहिए था। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो फिर कहता हूँ कि कहीं स्लीपर सेल के तौर पे और भी आतंकी तो नहीं छुपे हुए हैं? अगर और आतंकी स्लीपर सेल के रूप में छुपे हुए हैं तो आतंकी संगठन का स्लीपर सेल सबसे खतरनाक होता है, ये करता बड़े बड़े काम है लेकिन छिपा हुआ होता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आतंकी संगठन के अगर स्लीपर सेल हैं तो उसकी भी जांच होनी चाहिए, कहां कहां से इनके संबंध हैं, किन किन लोगों से इनके तार जुड़े हुए हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और जांच होने के बाद ये पता लगाना चाहिए कि कौन कौन से लोग इनका सहयोग कर रहे हैं और किन किन स्थितियों में सहयोग कर रहे हैं। अगर ये चीज पता चल जाएगी तो कई लोग बेनकाब होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। नितिन जी, ठीक है सर, ठीक है ठीक है। अंकुर सक्सेना हमारे साथ आरएलडी से जुड़े हुए, अंकुर भाई बहुत देर में आपके पास आ पाया हूँ, आप इस कार्रवाई को किस नजर से देखते हैं? अगर ये घटना घट जाती तो कितना नुकसान हो सकता था, और हिरासत में लेने के बाद, पूछताछ के बाद जो चीजें निकल कर सामने आई है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? आपके गठबंधन के साथी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के, उनका जो बयान आया, क्या आप उस बयान से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए नितिन जी, सर्वप्रथम तो गोरखपुर में जो घटनाक्रम घटित हुआ है, व्यक्तिगत तौर पर भी और पार्टी की तरफ से भी हम लोग इस घटना की घोर भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। साथ ही आपके चैनल के माध्यम से हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि ना केवल गोरखपुर में, इवन पूरे भारतवर्ष में भारत के नागरिक की हैसियत से हम लोग किसी भी धर्म संप्रदाय पंथ के खिलाफ किसी भी इस तरीके की हमला का, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल का सदस्य हो, अगर जैसे आप इसको जनरल वे में कहते हैं, तो हमारी तो आपके चैनल के माध्यम से ये डिमांड है कि धर्म स्थलों की सुरक्षा के लिए बकायदा एक विशेष पुलिस बल की स्थापना की जाए जो धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को पर्याप्त करे। हालांकि एक बात और भी आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि गोरखपुर में घटनाक्रम घटा, निसंदेह उसका स्वरूप भिन्न था, उस भिन्न स्वरूप में हमारे भारत के जो अर्धसैनिक बल पीएसी जैसे लोग हैं, उन लोगों ने उस घटनाक्रम से हमारे लोगों को सुरक्षित रखा, मंदिर के में जो श्रद्धालु थे और बाकी मंदिर की जो संस्कृति है उसका बचाव किया, उसके लिए मैं उनका साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। परंतु आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से एक वीडियो वायरल हो रहा है कि सत्तारूढ़ दल की एक विधायिका हैं और उनके जो समर्थक हैं, हाल ही में एक जगह पर एक दूसरे संप्रदाय का जो धर्म स्थल है उसमें बकायदा भारतीय जनता पार्टी के झंडे लहरा रहे हैं, उसकी भी भर्त्सना भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि महोदय को करनी चाहिए, उनके भी खिलाफ बुलडोजर चलना चाहिए जो लोग इस तरह के घटनाक्रम कर रहे हैं। आतंकवादी घटना को उससे क्यों जोड़? अरे भाई साहब, आपके बीच में नहीं बोला, आपको सुनने का मौका नहीं है क्या? आप भाजपा के प्रवक्ता हैं सत्य जी, आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, आप बात सुनने का मौका नहीं है आपको? डिबेट का तरीका होता है, मैं आपको आधे घंटे सुना हूँ, आपका प्रवचन आप बीच में नहीं सुन रहे सब्जी जी, बोल लेने दीजिए, बोल लेने दीजिए, फिर आपके आपके पास आऊंगा मैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है, वो सुन रहे हैं, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? सिर्फ विरोध करना ही, विरोध नहीं कर रहा हूँ, विरोध नहीं कर रहा हूँ, भारत का नागरिक को अपनी विरोध करना धर्म बना लिया है, विरोध पर विरोध किया जाए तो अच्छा लगता है, लेकिन बेवजह में अगर विरोध किया जाता है तो अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ सरकार के किसी भी काम का विरोध लगातार करते रहना भी खराब। सज्जी जी प्लीज सुन लीजिए अंकुर जी क्या कह रहे हैं, उसके बाद फिर बोलिएगा। हाँ अंकुर भाई, देखिए सर्वप्रथम बात ये होती है, ये डिबेट का तरीका नहीं है, डिबेट में आदमी अपनी बात पूरी करता है। वन बाय वन बोलिए प्लीज, सबकी बात आना जरूरी है। सबसे बड़ी बात है, मैं उस कांड की भर्त्सना किया, धार्मिक आस्था की बात होती है, अगर गोरखनाथ मंदिर हमारे लोगों की, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी नवरात्र में व्रत रखता हूँ, मैं भी भोलेनाथ का भक्त हूँ, धार्मिक आस्था की, जैसे हमारी अपनी धार्मिक आस्था है, हम लोग
हर तरीके के धर्म और संप्रदाय का सम्मान करते हैं। इसी धार्मिक आस्था के आधार पर मैं ये बात आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि मान लीजिए अगर हमारी धार्मिक आस्था के ऊपर अटैक हुआ है तो हम लोगों में क्षोभ की भावना आई है, हम लोगों को कष्ट का अनुभव हुआ है, हम लोगों को पीड़ा का अनुभव हुआ है। इसी तरीके से हमारे हिंदुस्तान में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा सब सारी चीज़ें स्थापित हैं। अगर हम किसी दूसरे पंथ की जिसपे भावनाएं जुड़ी हुई हैं उनके यहाँ इस तरीके की हरकत करते हैं तो वो भी गलत है। गलत दोनों हैं। इसमें स्वरूप बद से बदतर हो गया, अगले बंदे ने अटैक किया, मैं उसका कोई डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, प्रथम दृष्टया वो दोषी है, उसके खिलाफ FIR हुई है, मैं चाहता हूँ अगर उसके खिलाफ रासुका नहीं लगी तो रासुका जैसी कार्रवाई भी होनी चाहिए। जहाँ तक सवाल मानसिक विक्षिप्तता का है, निश्चित रूप से वो बहुत बड़ा विक्षिप्त है। ओसामा बिन लादेन PhD किया हुआ था, वो भी विक्षिप्त था, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज की तरफ मुड़ गया था, ये मुर्तजा भी विक्षिप्त है, और जो जितना अगर इसकी पढ़ाई का सदुपयोग इसने किया होता तो आज ये देश हित में लगा होता, इसने अपनी पढ़ाई का मिसयूज किया है, इसलिए इसकी विक्षिप्तता का मापदंड ये है कि ये धर्मांधता में विक्षिप्त हो गया है और ऐसे लोग समाज में रहने योग्य नहीं होते। ये मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ। एक बात और कहना चाहता हूँ कि समाज में केवल इस तरीके के धर्मांध लोग नहीं है, समाज के लिए घातक वो भी है। समाज में जांच का विषय वस्तु ये भी होना चाहिए कि अगर इन जैसे लोग आतंकवादी की श्रेणी में आते हैं तो हमको इस बात का, हमारे भारत के नागरिकों को इस बात का भी पता लगना चाहिए कि इलेक्शन टाइम में जिस बंदरगाह के ऊपर लाखों करोड़ रुपए की हेरोइन पकड़ी गई थी, उस हेरोइन वाले प्रकरण में क्या हुआ। हमारे देश के निवासियों को इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि पुलवामा कांड में जो लोग दोषी थे उनके खिलाफ आज तक चार्जशीट दाखिल हुई क्या। आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से जहां तक मुझको जानकारी प्राप्त है, यही जानकारी प्राप्त है कि उसमें किसी के भी खिलाफ कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि हमारे जो पुलवामा कांड के शहीद हुए थे सैनिक, उनके घर वालों को और हम लोगों को भी इस बात को जानने का हक है कि उसमें जो दोषी थे उनके भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और हम लोग आपके चैनल के माध्यम से यह भी स्पष्ट कर रहा हूं कि जो गोरखपुर कांड हुआ, मुर्तजा को लेकर जो आप डिबेट कर रहे हैं, तो इंटरनेट पर यह कहा जाता है, भाई मैंने तो चेक नहीं किया, लेकिन जो आप लोगों के सम्मानित चैनल के माध्यम से और बाकी हम लोगों को जानकारी मिलती कि इंटरनेट पे अगर हम लोग कोई भी ऐसी चीज को सर्च करते हैं कि विस्फोटक बनाने की चीज हो, हम लोग टेररिस्ट एक्टिविटीज से रिलेटेड चीजें देखते हो, तो तुरंत भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके पास हमारा IP एड्रेस पहुंच जाता है और वो हमको सर्विलांस पे लेके, रडार पे लेके लगातार हम लोगों के ऊपर नजर रखती है। इसके मामले में ऐसा क्यों नहीं हुआ लगातार? अगर ये पर्सन 2-3 साल से कर रहा है, अगर लगातार 2-3, देखिए ये मुस्कुराने की विषय वस्तु नहीं है सत्यजीत जी, जो गंभीर विषय वस्तु है। इतना आसान है किसी को डिटेक्ट करना? इतना आसान है? अरे आप बताएंगे डिटेक्ट करना आसान नहीं आसान है? आप बताएंगे डिटेक्ट करना? आप ना अपने आगे प्रवक्ता प्रियस्पा हटा दीजिए, आप अपने आगे लिख लीजिए समर्थक भाजपा। अरे तो आपको कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल दिक्कत मतलब है, अगर, बिल्कुल अगर, दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत है। तो मैं आपकी दिक्कत बात को सुन रहा हूँ। अगर हम सही आप बात को बोल रहे हैं तो आपको दिक्कत है? मतलब हम आपके हाँ में हाँ मिलाए तब तो आपको, अगर हम आपके हाँ में हाँ ना मिलाए तो आप खुशी हो जाते हैं? यही दिक्कत है, मैं बात कह रही हूँ। यही दिक्कत है, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि महोदय, आप हाँ में हाँ नहीं कर रहे क्योंकि उनको डिबेट का तरीका पता है। आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं क्योंकि आप ठीक है, प्लीज ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ गई बात, आ गई। आप लोगों को भाजपा में शामिल होने का शौक चल रहा है इसलिए आप ये बात करेंगे, कोई बात नहीं करिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपको कितने समय बाद लेती है? आजमगढ़ के चुनाव के बाद आपकी कसौटी है, सहयोगी नहीं रहे हैं। आजमगढ़ का चुनाव आपकी कसौटी है और आप खड़े नहीं उतरने वाले। आजमगढ़ सीट फिर समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोक दल गठबंधन जीतेगा। पहले कि आप भारतीय जनता पार्टी के कभी पहले सहयोगी नहीं थे भाई साहब? देखिए जो बीत भूली ताए बिसार दे आगे की सुध लीजिए। हम जिसके साथ तो, रहते हैं हम पक्का रहते हैं। ये नहीं है कि हम सपा के साथ बैठ के कन्हैया भाजपा से कर रहे हैं। हम आज की डेट में विरोधी दल के गठबंधन के हैं। ठीक है, प्लीज प्लीज हो गया आप लोगों का। ठीक है, बाकी मेहमानों से बात कर लूं। समाजवादी पार्टी में साथ ठीक है, लोग हैं उसी के छेद कर रहे हैं। ठीक है, प्लीज 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 हो गया आप लोगों का। अमित भाई जल्दी से बात पूरी कीजिए, मैं शाही साहब के पास जाऊंगा। अमित भाई देखिए नितिन जी एक चीज़ बता दूं, मैं गोरखपुर परिक्षेत्र से ही आता हूँ और गोरखनाथ पीठ, गोरखनाथ जो मंदिर है उसके प्रति जो आस्था है बड़ा अटूट है जी। मैं या इस पैनल में बैठा कोई भी व्यक्ति यह कतई नहीं कह रहा और न कहने का हिम्मत रख सकता है कि वह बेकसूर है। बिल्कुल सही बात, मुर्तजा बेकसूर नहीं है। बिल्कुल सही बात, और उसकी गतिविधियों की सच्चाई से जाँच होनी चाहिए और कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं है, इस बात को आप ध्यान में रखिए। लेकिन ऐसे मुद्दों को कितना चर्चा में लाया जाए,
ऐसे मुद्दे पे कितनी ज्यादा से ज्यादा बात कराई जाए, देश भर में इन चीजों को कैसे पहुंचाया जाए लोगों तक, इस चीज में मकसूल होती है भारतीय जनता पार्टी, ताकि उनको ध्रुवीकरण कराने का मौका एक बार फिर मिले। और ऐसे ध्रुवीकरण के मौके की तलाश में भारतीय जनता पार्टी हर बार रहती है। देश की अखंडता के साथ, देश के स्वाभिमान के साथ, यहाँ की संस्कृति सभ्यता और धर्म के साथ खिलवाड़ करने का छूट किसी को भी नहीं दिया जा सकता। मुर्तजा के ने जो घटना करी है उसको तो निंदनीय है ही, उसकी जांच सही ढंग से जरूर होनी ठीक, चाहिए। ठीक ठीक, मेरा ये मानना ठीक है। समय कम, शाही साहब बहुत देर से बोलना चाह रहे थे। नितिन जी देखिए, अब कांग्रेस के लोग आपके डिबेट का विषय भी तय करेंगे, चर्चा कराना भाजपा का काम है। हमने तो आपसे नहीं कहा था, या भाजपा के किसी नेता का ये चैनल तो है नहीं ना, बिल्कुल। ये तो आप लोग स्वतंत्र हैं और आप लोग डिबेट का विषय तैयार करते हैं और आप लोग कराते हैं, हम लोगों को आमंत्रित करते हैं, हम लोग उस पर चर्चा करते हैं जी। क्योंकि एक सम्मानित दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक देश हित के विरोध में जाकर बयान दिया है तो उस पर चर्चा होनी जरूरी है। और ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, ये देश के सभी मीडिया चैनल कर रहे हैं, तो कांग्रेस को तो करना चाहिए। अभी हमारे अमित भाई ने विषयांतर करते हुए ये पहुंच गए महाराष्ट्र, उस पर मैं एक जवाब देना चाहता हूँ। उनकी पत्नी के खिलाफ बड़ा कष्ट हुआ इनको, संजय राउत जी के पत्नी के खिलाफ। नहीं, मुझे कष्ट नहीं हुआ, एक मिनट साहिब जी, कष्ट नहीं हुआ। ये मैं उस विक्षिप्तता की बात कर रहा हूँ जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के दिमाग में चढ़ गया है। मैं उस विक्षिप्तता की बात कर रहा हूँ जिसमें आप ईडी सीबीआई और तमाम तरह के चीजों का उपयोग करके लोगों को डराते और धमकाते हैं। ये भी एक विक्षिप्त मानसिकता का दुखक है। ध्यान से सुना है, सबको ध्यान से सुना है, तो जवाब मैंने सुना है, मुझे याद है आपने क्या कहा। विकसित तो तब भी आप लोग थे जब आपकी सरकार हुआ करती थी, बताइए कहां नहीं ईडी और सीबीआई के छापे पड़ते थे। तोता उस समय किसने नाम दिया था, तो ये सब छोड़िए। नहीं, हमने सीबीआई के दफ्तर में रेड नहीं मरवाया था साईं जी। अरे सीबीआई के दफ्तर में ही सीबीआई की रेड नहीं डलवाई थी हमने। आप सुनिए ना, आप सुनिए, अब मैंने धैर्य से सुना भैया, आप सुनिए, क्यों बौखला रहे हैं। नहीं नहीं, आप बोलिए बोलिए, सत्य कुछ जान लीजिए, सत्य कुछ जान लीजिए। नहीं, झूठे तथ्य पे रिएक्शन तो तुरंत होगा साईं जी। नितिन भाई बोलिए सर, बोलिए बोलिए, बोलने का कोई मतलब उचित नहीं है। बोलिए बोलिए बोलिए, मैं बोले, मैं सुन रहा हूं। मैं बताना चाहता हूं कि 55 लाख रुपए की रकम जो घोटाले की थी वो उनकी पत्नी के अकाउंट में आई थी, तो एजेंसियों को अपने काम करने दिया जाए। वो बता देंगे कि उन्होंने जमीन बेच दिया था अपना और गांव की खेती बेची थी, पैसा जमा किया था उनकी पत्नी ने, वो छूट जाएंगी, काम खत्म हो गया। उसका काम तो एजेंसी को करने दीजिए। अगर आपके खाते में भारी रकम, ये आरबीआई कहता है कि 10 लाख से ऊपर की रकम अगर किसी के खाते में आती है तो बैंक उसकी सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है, ईडी को देता है, जिसको भी देना होगा वो देता है, संबंधित विभाग को। 55 लाख रुपए की रकम उनके खाते में जमा की गई है। नितिन जी बड़ा इनको कोट करिएगा, 2 साल में 150 गुना संपत्ति जैसा की बढ़ती है, उसकी जांच करने का हिम्मत आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता में नहीं आया। क्या मतलब ये? नहीं, आपने 50 लाख की बात करी और जैसा की संपत्ति कैसे बढ़ी, बोल लेने दीजिए अमित भाई, 150 गुना कैसे बढ़ गया, आपने कभी जांच नहीं किया। पी चिदम्बरम जी गमले में गोभी उगाकर 200 करोड़ रुपया कैसे पैदा कर लिए, ये भी एक आपने जांच किया, आपने जांच किया, आठवां अजूबा है, कोई बुराई नहीं, आपने जांच किया उसकी, अजूबा है, जेल गए ना, उसके लिए जांच अभी चल रही है। नहीं, वो जेल तो तड़ीपार भी गए थे, को अपना काम करने स्टेट से बनाना पड़ गया था। और समझाइए जो समझाइए, ये राष्ट्रीय विदूषक जो है, जो अफजल गुरु के बारे में नारा लगा रहे थे, वो आतंकवादियों को क्यों पना देते हैं? आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना कर रहे हैं, उसके जजमेंट का अवहेलना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसको सिरे से नकार दिया था, आपको ज्ञान ही नहीं है। आतंकवादियों के आपको तो जवाब देना चाहिए। 26 लाख करोड़ रुपए आपने जनता से वसूले हैं टैक्स के रूप में, और 10 लाख रुपए आपने उद्योगपतियों के पास कर दिए, उसके आपको जवाब देना चाहिए। देने का काम और राष्ट्रीय विदूषक जो है आपके राहुल गांधी जी, वो जेएनयू में जाकर नारा लगा रहे थे, ठीक है, ठीक है, पुनिया जी आंसू बहा रही थी, तो इसलिए मैं 2-4 आंसू पूछने आप गए थे, आंसू जब गिर रहा था आप देखने गए थे वहाँ, ठीक है। समय का मैम, बाकी मैं आपके नेता ने कहा, हम थोड़े कह रहे हैं, ठीक है ठीक है, आपके नेता ने कहा है, ठीक है शाही साहब, मैंने नहीं कहा, ठीक है शाही साहब, आपके नेता जो है राष्ट्रीय चैनलों पर बोल रहे हैं सोनिया जी के आंसू बह रहे थे, ठीक है ठीक है ठीक है, प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है, मैं आता हूँ मैं आता हूँ। हाँ मयंक, कुछ कहना है आपको? हाँ बोलिए। बात यहाँ कानून व्यवस्था की चल रही, जल्दी से बात पूरी कीजिएगा, समय कम है। हाँ। और प्रसपा के भी प्रवक्ता महोदय थे, तो मैं फिलहाल उनसे तो बात ही नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वो लोग तो जहां भी देखते हैं कि
यहाँ हमको मिठाई मिल रही है, टॉफी मिल रही है, अरे आपके साथ ही है भाई वो। अरे भैया मैं आप ही के साथ, अरे देखिए साथ है आपके वो। मैं इनकी बात, मैं व्यक्ति का नहीं कर रहा हूँ, इनकी बात कर रहा हूँ, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। ये लोग को टॉफी लेने के लिए बहुत पड़ते हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूंगा कानून व्यवस्था के मुद्दे पर। ये जो गाजियाबाद, बुलंदशहर, मेरठ, बलिया, सब चीज इसके बाद आ रहा हूँ आपके पास, आपके पास आ रहा हूँ, इसके बाद कांड हो रहे हैं, जवाब दे दें कि जो ये लूट के कांड हो रहे हैं, इनकी बात पूरी हो जाए मैं आपके पास आ रहा हूँ। कम से कम समाजवादियों को कानपुर में जो नई तरह की चोरी जोड़ने से मैं की बात पूरी हो जाए मैं आ रहा हूँ आपके पास। नितिन जी इनको बताइए कि जोड़े इस पे भारतीय जनता, हाँ मैं बोल रहा हूँ सर, मैं बोल रहा हूँ, बुलंदशहर में जो अंतिम लूट हो रही है इस पे भारतीय जनता पार्टी के बयान कब आएंगे? मैं बोल रहा हूँ, कुछ कुछ नाराज है कुछ आप लोग के बयान को लेकर के, पता नहीं क्या दिक्कत है। योगी आदित्यनाथ का बोल लेंगे, मोदी जी परिवारवाद का बोलते हैं, लेकिन इस अपराध पर कब बोलेंगे? बेटियों के साथ आए दिन जो घटनाएं घटित हो रही हैं इस पर भारतीय जनता पार्टी कब बोले? क्योंकि इन लोगों ने वोट तो कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के नाम पर लिया, और आज रिटर्न गिफ्ट में उन महिलाओं बेटियों को वो लोग बलात्कारियों का समर्थन कर दे रहे हैं, बलात्कारी करके भाग जाते हैं, उनको ये लोग पकड़ नहीं पाते। मेरठ में एक पुलिस वाला सूदखोरी में जब पुलिस समर्थन तो मुलायम सिंह यादव जी रामपुर की राजकांड में कह रहे थे, वहाँ पर मेरठ समर्थन कर रहे थे भाई, बहन भाई मेरठ में पुलिस वाला समर्थन तो गांधी प्रजापति को लेकर घूम रहे थे, जब पानी सामी में बोलने कहा तो उनको खिलाफ एफ आई आर दर्ज किया, वो तो समर्थक आप लोग हैं भाई। भाई इसमें भी अगर कोई एमओयू साइन हो, इसमें भी अगर उसकी सूदखोरी में भी भारतीय जनता पार्टी का कोई हिस्सा हो तो आप इसका जवाब देंगे? कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आप लोग तो बहुत उछलते थे, और अखिलेश यादव जी ने सिर्फ यही कहा था कि आप लोग चिल्लाते रहे, प्रदेश की जनता को नहीं समझा पाए आप लोग, प्रदेश की जनता ने समझा कि कौन उनका रक्षक है कौन उनका भक्षक है, तो रक्षक समझकर माननीय योगी कर्मयोगी आदित्यनाथ को सत्तासीन किया, आप लोगों को बाहर कर दिया, भक्षक ठीक है, मैं कहा गई बात आपकी, ठीक है, प्लीज प्लीज प्लीज, कोई भी नेता उन पर कोई कार्रवाई नहीं करवाने के लिए कोई भी एफआईआर नहीं लिखाता है, वहाँ पर जाकर कोई भगवा झंडा नहीं लहराता है कि बेटी को न्याय दो, ठीक है बात आ गई, बलात्कारियों के समर्थन में आप लोग खड़े हो जाते हैं, हाथरस में आप लोगों ने क्या किया? सिर्फ वो अपराधी जो है वो मुख्यमंत्री की जात के, ठीक कानून व्यवस्था पे किसी दिन चर्चा करता हूँ, बैठाता हूँ आप लोगों को, सत्यजीत ठीक है मैं आ रहा हूँ, मैं समय कम है मेरे पास, प्लीज ठीक है समय कम है, मैं बाकियों के पास चला जाऊं, आप लोग लांछन लगा रहे थे, ठीक है मैं, ठीक है फर्जी लांछन अखिलेश यादव जी पर लगाने से पहले ये भी जान लीजिए कि आपसे आपकी कानून व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा ये भी है, ठीक है मैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी बात को खींच देती है, और वही यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है मैं इसीलिए आपको बुलाया भी था कि सारी चीजों को क्लियर किया जा सके। सत्यजीत जी क्या कह रहे थे आप, किस चीज की समस्या? मुर्तजा अब्बासी चूंकि अगर टेररिस्ट ना होता तो दिल्ली, बम्बई, गुजरात, केरल, नेपाल ना गया होता, पैसा उसके पास कहाँ से आया, फंडिंग कहाँ से हुई, कई बैंकों का एटीएम कार्ड उसके पास है, दिल्ली से मुंबई जाने का हवाई टिकट उसके पास था, अगर पैसा ना होता, फंडिंग कहीं से ना होती तो ये सब कहाँ से आता? मैं तो ये कहता हूँ कि घटना के पहले मोबाइल का डाटा जो डिलीट कर दिया गया, जब तक फोरेंसिक टीम डाटा रिकवर कर रही है, अंकुर जी हंस रहे हैं आपकी बात पे जी, पर पता चल जाएगा। अरे ये भैया सत्यजीत जी, ये जिम्मेदारी किसकी है, अखिलेश यादव जी की है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की है या श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे की है? भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री है, ये उनके शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो कहाँ से क्या लेके आया, ये वो लोग कार्रवाई उस पर कर रहे हैं, जांच चल रही है, जांच आने से पहले आप एक पार्टी के नेता पर आप लोग जब आरोप लगा देते हैं फर्जी के, तो बयान को पूरा पढ़िए, बयान जब तक पूरी जानकारी नहीं होगी अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है सत्यजीत जी, ये आपकी पार्टी के लिए बता रहा हूँ, आप अपने पार्टी के बड़े नेताओं को भी बता दीजिएगा, तो जनता से आप अपनी पार्टी का पक्ष रखने आए थे ना कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने आए थे, इनकी स्वीकारिता घट जाएगी, आप पार्टी का पक्ष रखना तो अपनी पार्टी की बात करिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बात करने आ जाते हैं, ठीक है बात आ गई आप लोगों की, प्लीज ये सिर्फ आप लोग रिलेटेड हो जाते हैं क्या? ठीक है अंकुर, मुख्यमंत्री के सजाती होने के लिए अंकुर जी क्यों हंस रहे थे भाई आप सत्यजीत की बात पे? देखिए बड़ी हास्यास्पद स्थिति, अरे कोई भी हंसेगा, कॉमेडी कर रहे थे सत्यजीत जी, कोई भी हंसेगा भाई, साथी हैं यार आपके वो, देखिए वो अपने को ही पहले मारेंगे, बाहर से नहीं लड़ेंगे, दूसरे से नहीं लड़ेंगे, पहले अपने से ही लड़ेंगे, नहीं नहीं आप जारी रखिए सत्यजीत जी, आप जारी रखिए, ऐसा क्या डिबेट में हमारी बटोली भी होनी चाहिए, आतंकवादी घटना को आतंकवादी बता देने में कोई बुराई है? आतंंकवादी घटना नहीं, बिल्कुल कही, हम भी कहते हैं आतंकवादी घटना है, मुद्दा लेकिन
उन घटनाओं का भी जिक्र कर लिया करिए जो लूट बुलंद शहर में हो रही है, गाजियाबाद में हो रही है। ठीक है, प्लीज प्लीज अंकुर को बोलने दीजिए, अंकुर जी को बोलने दीजिए भाई। ठीक है, प्लीज सत्यजीत जी, प्लीज प्लीज अंकुर भाई। जी जी जी, माननीय सत्यजीत जी जो बात कह रहे थे बिल्कुल सही बात कह रहे थे। इनको तो बहुत ज्यादा अनुभव है, मुझे लगता है ये पुलिस या प्रशासनिक डिपार्टमेंट से रिटायर है, उसके बाद ये राजनीति में आए तो ये भूल जाते हैं कि इस समय किस राजनीतिक दल का और किस गठबंधन का पक्ष रख रहे हैं। नहीं नहीं, भूलता नहीं हूं भाई साहब जी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई साहब जो है, और जहां तक सवाल है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज का या किसी पर्सन के हमले का, तो निश्चित रूप से आप सत्यजीत ये मान के चलिए कि हम लोग भारत के नागरिक हैं, और भारत के नागरिक होने के नाते हम लोगों में एक अपने संवैधानिक दायित्वों का, संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों सबका पूर्ण ज्ञान है। हम लोगों को ये पता है कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है और क्या चीज़ गलत है। जहाँ तक सवाल है, मेरे अपने सहयोगी अखिलेश जी को भी बता देते आप तो बड़ा अच्छा रहता अंकुर। शाही साहब देखिए, अब मैं, आपने बोला बहुत अच्छा लगा, मैं तो चाह रहा था कि शाही जी कुछ बोले तो मैं जवाब दे सकूं। अब क्या करे, वो बड़ा खराब लगता है कि हमारे घर में हमारे साथ के लोग और विभीषण की भूमिका निभाएं, तो उस समय बड़ा, आप भी समझ रहे, बड़ी दिक्कत हो जाती है कभी कभी। ऐसा निषाद साहब ने आपके साथ भी किया, जैसे जब आपने जिस समय को विभीषण आपने बना दिया, नहीं शाही आपने अखिलेश जी को विभीषण नहीं बनाया, जिनको विभीषण बनाया आप समझ रहे। अब जैसे अब देखिए शाही साहब, देखिए सत्यजीत जी, देखिए आपने बोल लिया, मुझे शाही साहब का जवाब दे लेने दीजिए। हमने विभीषण किसी को नहीं बनाया, जो विभीषण है वो उसकी लंका में आज खुद ही आग लग चुकी है। आप खुद समझ रहे होंगे कौन इस डिबेट में विभीषण है, लेकिन वास्तविकता ये है कि विभीषण तो हर जगह पाए जाते हैं। जिस समय 10 मार्च के बाद इलेक्शन का परिणाम आया और मुख्यमंत्री बनने के लिए लोगों में लड़ाई चल रही थी, तब भी विभीषण हुए। जब उप मुख्यमंत्री बनने के लिए आपके यहाँ निषाद पार्टी है, उनने खुला स्टेटमेंट दिया था, तब भी एक विभीषण के रूप में थे दो बार। और विभीषण तो आपके यहाँ इतने इतने सांसद थे कि इलेक्शन टाइम में, अब 2024 को ध्यान में रखते हुए आपकी पार्टी में कई विभीषणों के टिकट कटेंगे, ये भी हम लोग का बखूबी आप क्या जान रहे हैं। तो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी क्या नहीं करेगी, इसका तो फैसला 2024 में होगा। देश हित वाला थोड़ा सा देश हित वाला ज्ञान जो अभी ये अखिलेश जी को भी दीजिए कि बार बार ये आतंकवादियों की, शाही जी बहुत 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 प्रसन्नता की बात है कि आपने ये सवाल पूछा। सुनिए, मयंक भैया एक जवाब दे लेने दीजिए। शाही जी ने देश हित की इतनी प्यारी और इतनी बढ़िया बात कही है। हम लोग देश हित की बात करते हैं, कम से कम माफी वीर की संज्ञा तो नहीं हमारे यहाँ किसी के पास है, किसी ने भी माफी तो नहीं मांगी। हम लोग उनको तो नहीं पूछते जिनने हमारे देश के बापू को मारा। आज का जो परिपेक्ष है, आतंकवादियों के लिए वो खड़े हैं, उनका हृदय कोमल क्यों हो जाता है? कौन सा देश हित है जिसमें माफी वीर को मारा जाता है? देश हित का और देश हित को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। शाही साहब देश हित के लिए हमें आपसे प्रमाण पत्र लेना होगा, आज की घटना जो उन्होंने बयान दिया है थोड़ा सा हृदय उनका कोमल होगा। माननीय अखिलेश यादव जी आपके विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है, आपके माननीय मुख्यमंत्री महोदय वहां पे उनके साथ में जिस समय डिनर करते हैं, टी पार्टी करते हैं, उनके साथ में बैठते हैं, वो भी उनसे कह दे कि भाई साहब देश हित में आप ऐसा बोलो, मेरा वो प्रोफाइल, मेरा वो कद नहीं है ना, आप उनको कह सकते हो। एक बड़ा नेता दूसरे बड़ा नेता को कह सकता है, और अगर वो देश हित में नहीं बोले हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप इस डिबेट के बाद निकलिए, हजरतगंज थाने में पहुंचिए, एक FIR की तहरीर दे दीजिए कि हमारे नेता प्रतिपक्ष ने जो है देश विरोधी बयान दिया है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपको इस भाई अगर ये करेंगे तो भी आपको इस बात का खंडन करना चाहिए कि वो देश हित में कोई बयान नहीं, पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं। प्लीज पुलिस का दुरुपयोग लगाएंगे तो ये आपका मनगढ़ंत बयान है जी, अधूरी जानकारी पर आप FIR नहीं लिख पाएंगे, आपका अधूरी जानकारी है। ये आप कन्फास्टिकेटेड तरीके से ये बात कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष महोदय ने यह बात कही कि पुलिस का दुरुपयोग, पुलिस का कोई दुरुपयोग नहीं कर रहा, पुलिस तो हमारे यहाँ की बहुत अच्छी है। मणिलाल पाटीदार को देखिए ना, आज तक कुर्की के लिए भागे घूम रहे हैं। समय कम है आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत ठीक है, प्लीज हो गया आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो मुर्तुजा के मामले पर लगातार अब राजनीति भी गरमाती जा रही है, लेकिन जिस तरह से ये जो घटना घटी है, ये कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के साथ बहुत बड़ा आघात पहुंचाने का प्रयास था आतंकवादी संगठनों की तरफ से, और इसके ऊपर उसी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए जैसे आतंकवादियों के साथ होती है, होनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार से लाग लपेट ना हो, ये हम सब की कहीं ना कहीं अपेक्षा भी है, और जांच एजेंसियां पूरी जाँच के बाद इस पर सही तरीके से कार्रवाई भी करेंगी। फिलहाल आज की डिबेट में इतना ही, मुझे दिजनवती नमस्कार। कुछ भाव पुष्प
देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।